हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम जा रहे हैं बाहर अगर 50 करोड़ की गाड़ी मेट्रो में। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे चांद नवाब कराची के साथ। कैमरामैन कामिल यूसुफ, चांद नवाब कराची। भाग भाग के मैं आया था कि इंटरलोक वाली मेट्रो पकड़ लूँगा, लेकिन आई कीर्ति नगर वाली थी। हेलो भैया, एल टसके पौने गई थी राज दमके डोलो ये बगा। समझ रहे हो ना। We are now sitting in the restaurant waiting for our lunch। अकेला नहीं हो, सामने दो लोग हैं, इधर एक अभी वॉशरूम गया है। चार लोगों की पार्टी है, चार में से दो लड़कियां हैं, एक अंकल है और एक मैं हूँ। बाकी आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो। हैप्पी अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। सो गाइज, आज का ब्लॉग शुरू तो सुबह हुआ था, लेकिन बिकॉज आज वर्ल्ड अर्थ डे है तो आज मुझे एक कॉन्सेप्ट शेयर करना था। ये था 500 का नोट और इसको मैंने तोड़ा मरोड़ा, वो बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो बात करने की है वो है कि आज है वर्ल्ड अर्थ डे। वैसे तो इस बार जो वर्ल्ड अर्थ डे का थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अपने इस प्लैनेट को, इस वर्ल्ड को एक बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करें, कोलैबोरेट करें। ये था भैया 500 रुपए का नोट और मैंने अभी इसे तोड़ा मरोड़ा, क्रश किया, पूरी तरह से खोद दिया, रगड़ दिया, लेकिन इसने अपनी वैल्यू नहीं खोई। अगर अभी भी मैं किसी दुकान पे जाऊंगा तो इसकी कीमत 500 रुपए ही रहेगी। इस बार वर्ल्ड अर्थ डे पे मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि डोंट लूज योर वर्थ, डोंट लूज योर वैल्यू। अब इस नोट को मैं मरोड़ू, आप मरोड़ो, या 10 लोग और आके इसको क्रश करे, तोड़े फोड़े, कुछ भी करे, लेकिन इसकी कीमत 500 रुपए ही रहेगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि एक मनुष्य जीवन को पाने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तब जाके हमें मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये मनुष्य जीवन किसी के बारे में उल्टा सोचने में, कोई आपको जज करता है उस बारे में सोचने में कि चार लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, चार रिश्तेदार क्या सोचते हैं, वो सोचने से अच्छा है कि आप अपने आप पे फोकस करो, अपनी वैल्यू पे, अपना एक वर्थ बनाओ कि आप कहीं खड़े हो तो आपका नाम भी बिके और आपका काम भी बिके। तो इस वर्ल्ड अर्थ डे के दिन मैं आपसे ज्यादा मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल बातें नहीं करने आया हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा कि दुनिया तब अच्छी बनेगी, हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी तब अच्छी बनेगी जब उसमें रहने वाले लोग अच्छे होंगे। और लोग तब अच्छे होते हैं जब वो कंपैरिजन का कीड़ा त्याग देंगे कि दूसरा उनके बारे में क्या सोचता है, लोग क्या कहेंगे, वो वाला पॉइंट त्याग देंगे और खुद पे विश्वास रखेंगे। आप जो काम कर रहे हो उस पे फोकस करेंगे तो ये वर्ल्ड, ये अर्थ, ये दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी आपको और मुझे भी। सो गाइस, आज आपने दो एग्जांपल देखे, एक आवेश दरबार का लाइटर वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा मेरा 500 रुपीज वाला कॉन्सेप्ट। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे होंगे, सुने होंगे, कहीं ना कहीं कोई वीडियो देखी होगी, आई नो। बट आज उसका महत्व समझाना जरूरी था और वो हमने समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर वो लाइक का बटन होता है वहां पे, तो दबा देना, जैसे ये पी पी करके गया ना, आप भी वहां पे पी पी कर देना। ये बोर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे, हम प्लान करने आए थे हमारी नेक्स्ट ट्रिप का, बताना नहीं आया किसी को, सरप्राइज अभी। अब से एक बार सब कुछ प्लान हो जाए फिर बताएंगे। ओके, जय महेशमती। पेपर ख़त्म कब हो रहे हैं? 25 को ना, फिर हम 26 को निकल जाए।
सैटरडे संडे ही जाएंगे, सैटरडे, हाँ सैटरडे संडे।